हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर श्री वनिष्ठ प्लेटफॉर्म लर्निंग। दोस्तों स्वागत है उसी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच आज लेटेस्ट अपडेट के साथ बात करें दोस्तों 69,000 को लेकर, 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि आप सीखो बताए दोस्तों, डबल बेंच से फैसला आ चुका है 60-65 के बारे में। वही दोस्तों रिजल्ट आंसर की बात करें साथ दोस्तों आप सभी को बता दें कि सरकार एक हफ्ते के अंदर भर्ती पूरा कराना चाहती है। और दूसरी तरफ दोस्तों अगर हम बात करें शिक्षा मित्रों को लेकर, इसको लेकर दोस्तों हम बात आप सभी को बताने वाले हैं। क्योंकि आप सभी को बताएं कि एक तरफ दोस्तों हम भर्ती की तैयारी तो शुरू कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों जैसा कि आप सभी को ध्यान रखना पड़ेगा कि शिक्षा मित्रों की तरफ से पूरी तैयारी की भर्ती को सुप्रीम कोर्ट लेकर जाने की, वहां पर दोस्तों उनकी तैयारियां शुरू कर दी गई। मैं आप सभी को बता दूं क्या क्या अपडेट है। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। ज्यादा जानकारी आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन आप सभी को मिल जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को बताएं, सरकार की तरफ से दोस्तों यहां पर जो आदेश है वो दिया गया है उत्तर कुंजी जारी करने का, साथ में रिजल्ट जारी करने का। एक हफ्ते में भर्ती पूरी करने का आदेश दिया गया है। अभी तक दोस्तों पीएनबी की तरफ से ना तो रिजल्ट आया ना आंसर किया ही है। लगातार अभ्यर्थी दोस्तों इस चीज को लेकर परेशान है, कब आंसर किया कि कब रिजल्ट आएगा। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों शिक्षा मित्रों की तरफ से पूरी कोशिश भर्ती को सुप्रीम कोर्ट लेकर के जाने की, उनकी तरफ से मैं आप सभी को यहां दिखा देना चाहता हूं। यहां पर भी दोस्तों आप सभी देख सकते हैं, आपके सामने देखने के मिल जाएगा। अगर हम बात करें दोस्तों भारत के पूर्व दोस्तों महान्यायवादी मुकुल रोहतगी जी को दोस्तों बजाज टीम की तरफ से, मतलब जो शिक्षा मित्रों की दूसरी टीम है जो कि रिजवान अंसारी के अगेंस्ट रहती है हमेशा, बजाज टीम ने दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की बहस के लिए यहां पर दोस्तों हायर कर लिया है। और साथ में 3,00,000 दोस्तों जो पेमेंट है वो भी कर दिए टोकन मनी सहित। तो दोस्तों आप सभी यहां पर समझ सकते हैं कि दूसरी तरफ से लगातार तैयारियां की जा रही हैं इस भर्ती को आगे लेकर के जाने की। लेकिन अगर सरकार जिस तरीके दोस्तों एक हफ्ते के अंदर भर्ती कराने की कोशिशें कर रही है, तो ऐसे में दोस्तों आप सभी चीजों को समझ सकते हैं कि जल्द दोस्तों आप सभी को अपडेट देखने के मिल सकती है। लेकिन जल्दी से जल्दी रिजल्ट और आंसर की दोस्तों जारी हो जाने चाहिए, जिससे कि जो आगे का प्रोसेस है वो शुरू हो पाए। आने वाले समय के अंदर जिला आवंटन के जो फॉर्म है दोस्तों वही भर जाने चाहिए, जिससे कि दोस्तों मामले को लेकर कोई आगे हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि कम से कम दोस्तों मंडे के बाद में सुप्रीम कोर्ट के अंदर इनकी तरफ से हो सकता है दोस्तों आपसे को कुछ देखने के मिलेगा। अगर हम बात करें सरकार की तरफ से बीएड बीटीसी की तरफ से कैविएट दाखिल कर दी जाएगी, तो दोस्तों इस पर बहस होने के बाद ही कुछ देखने को मिलेगा, डायरेक्ट कोई जजमेंट नहीं दिया जाएगा। तो काफी कुछ दोस्तों देखने के लिए मिल रहा है। एक तरफ आप सभी को बताया कि सरकार की तरफ से पूरी तैयारियां की जा रही है जल्दी दोस्तों भर्ती को पूरी करने की, लेकिन पीएनबी की तरफ से अभी तक ना रिजल्ट आया ना ही आंसर किया है, जो कि कहने की दोस्तों एक इंतजार बढ़ता जा रहा है। और दूसरी तरफ शिक्षा मित्रों की दोस्तों पूरी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जाए, जो कि आप सभी सामने अपडेट भी देखने के मिल रही है। पीएनबी की तरफ से दोस्तों संशोधित उत्तर कुंजी और साथ में रिजल्ट जो कि शाम तक आने की संभावना, उसको दोस्तों जल्द जारी कर देना चाहिए, जिससे दोस्तों शाम को ही आप सभी को जो फॉर्म की विज्ञप्ति है वो भी देखने के लिए मिल जाए। उसके बाद में जो आवेदन के फॉर्म है वो भी दोस्तों यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन दूसरी तरफ शिक्षा मित्रों की तरफ से लगातार दोस्तों जो कोशिश है वो जारी है, जिसकी अपडेट भी दोस्तों आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फॉर श्री चैनल के माध्यम से दी जा रही है। क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों दूसरी तरफ से कितनी तैयारियां की जा रही हैं, और इधर दोस्तों सरकार की तरफ से पूरी तैयारियां भर्ती को जल्दी पूरी करने की। तो जल्दी से उम्मीद दोस्तों आप सभी अगली वीडियो करते देखिए, हो सकता है रिजल्ट आंसर की आप सभी के जारी हो। जो भी जैसी भी अपडेट दोस्तों आपसे विजिट करती है ऑनलाइन अड्डा फॉर श्री चैनल पे, आप सभी को सारी अपडेट मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो गाइस, फ्लैश वीडियो के माध्यम से इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।